ये देखो, ये 500 का है, ये 500 का है, ये 100 का है, ये 100 का है, टोटल हो गया 1200 रुपये। ना पार्सल डिलीवर हो चुका है, ठीक है, पेमेंट भी मेरे को मिल चुका है। पेमेंट तो भाई जितना एक्सपेक्ट किया था, मतलब जितना मेरे से बात हो गया उतना ही मिला है। कितना आधा एक घंटा खाली अपना गया रहेगा भाई, लेकिन 1200 रुपये मिलने वाले हैं। अभी तक आ रहा नहीं, और उनको फोन किया ना तो एक ही बारा, हाँ भैया ऑन द वे, दो मिनट। हाँ भैया दो मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12, अभी मैं हूँ घर पे, ठीक है गाइस। आज मैं कुछ जोमेटो रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक पर्सनल पार्सल है, ठीक है गाइस। ये है पार्सल, मीन्स ऐसा है ना कि मेरे को कभी कभी कॉल आता है, मीन्स कभी कभी मतलब महीने में एक आध बार या 6 महीने में एक आध बार कभी कभी आता है, ठीक है। बट इसके पहले भी मेरे को फोन आया था, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया हालांकि, बट वो टाइम पे अपना चैनल नहीं था, ठीक है। बट गाइज इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, 1 पार्सल 1100 रुपये, जो कि मेरे को 300 साढ़े 300 रुपये मिले थे। बट गाइज ये टाइम वो जो पिकअप है, आई थिंक मेरे को लगता है 2 बैग है बड़े वाले, ठीक है। और जाना है मेरे को पिकअप करने के लिए यहाँ से 13 किलोमीटर दूर, और ड्रॉप करना है 13 किलोमीटर दूर, नहीं पिकअप करना है 13 किलोमीटर दूर और ड्रॉप करना है 15 से 16 किलोमीटर दूर, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा वजन है पार्सल का, ठीक है गाइस। एंड ऊपर से बहुत सारा धूप है, तो मैंने उनको जो रेट लगाया ना, वो रेट लगाया मैंने पर किलोमीटर 40 रुपीज़ पिकअप का, और पर किलोमीटर ड्रॉप 40 रुपीज़, ठीक है। तो लगभग मैंने उनको ड्रॉप का 150 रुपये एक्स्ट्रा बोला है, तो टोटल मैंने उनको 1100 1150 रुपये अमाउंट बताया, तो उन्होंने डन कर दिया। तो मेरे को एक पार्सल का 1150 1150 रुपये मिलने वाला है। बट देखते हैं गाइस पार्सल डिलीवरी करने के बाद तो अपने को टोटल कितना पैसा मिलता है, ठीक है। कल रात को ही मैं पार्सल लेके आ चुका हूँ, मेरे नीचे गाड़ी में पार्सल है, ठीक है। मैं बाड़मेर से पिकअप करने गया था कोथरूड पार्सल, ठीक है। कोथरूड से पार्सल पिकअप करके बाड़मेर लेके, बाड़मेर से मेरे को वापस जाना है जेएम रोड, जो कि हालांकि यहाँ से 12 से 13 या 15 किलोमीटर के आसपास लोकेशन है, मतलब जो जेएम रोड मैंने आपको बताया लोकेशन, उससे थोड़ा आसपास किधर तो लोकेशन डिलीवरी करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपने को ये ऑर्डर के कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। हालांकि गाइस अभी धूप देखो भाई, इतने कड़क धूप में मेरे को पार्सल लेके जाना है, ठीक है। हालांकि ये धूप में मैं जोमेटो करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जोमेटो चालू करता हूँ 4 या 5 बजे, ठीक है। तो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, आपको देखने मिलेगा कि एक पार्सल पे कितना पैसा मिलता है, ठीक है गाइस। तो चलो अभी निकलते सीधा पार्सल डिलीवरी करने के लिए। बाकी मैं रेडी हो चुका हूँ, ये देखो हैंड ग्लव्स पहने, मैंने पहली बार पहने, आई थिंक कभी पहना नहीं मैंने, तो इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। एंड अभी पार्सल डिलीवरी करने जाते हैं, फिर देखते हैं अपने को टोटल कितना पैसा मिलता है, और टोटल अपनी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सीधा निकलते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जो भी सारे बंदे लोग नए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट साइड में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलो अभी जाते हैं नीचे। तो भाई अगर इसका वेट का बात करें ना, तो ये वाला जो पार्सल है ना, इसका लगभग 15 से 20 किलो रहेगा, ठीक है। और इसका कम से कम 7 से 8 किलो का वजन है, और मैंने इसको जो रेट लगाया ना ये वाला, मुझे लगा था कि आई थिंक इन लोग बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट इन्होंने फिर भी कर लिया। अगर यही बात अगर ऑटो से जाएगा ना वो इतना डिस्टेंस का, तो भाई लगभग 300 400 रुपये लग जाएगा, मैक्स टू मैक्स 500 रुपये लग जाएगा, ठीक है। बट मैंने उनको जो रेट लगाया तो भाई मैंने तो बहुत लगाया, क्योंकि देखो ना पर किलोमीटर 40 रुपये लगाया, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको मैं प्रॉपरली बिठाता हूँ, फिर इसको लगा के लेके जाते, ठीक है। ये देखो आज 2 पार्सल अपने पास, तो मैंने 2 पार्सल का इसको रेट लगाया, ठीक है। देखो भाई इतना धूप में काम करना, इतना दूर लेके जाने का, ठीक है, तो भाई पैसा तो लेगा ही ना अच्छा खासा, और ऊपर से भाई बाहर इतना तगड़ी धूप हो रही है, तो भाई पैसा तो कमाने पड़ेगा ना। तो भाई चलो इसको फटाफट फिट करते, हालांकि मेरे को लगता है कि एक पार्सल आगे बैठ जाएगा, एक पार्सल मेरे को लगता है पीछे किसी को लेके बैठने पड़ेगा, या फिर मैंने भाई को बोला है कि तू आ जा, तो ये रात को मैं पार्सल लेके आ गया था, बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि लेट नाइट लेके आया मैं, कम से कम 12:30 1 बजे गया था लेने के लिए, ठीक है। और मेरे फ़ोन का बैटरी भी नहीं था इतना कि मैं ताकि वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो मैंने नहीं बनाया। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो चलो निकलते भाई, इसको पहले फिट कर लेते प्रॉपर गाड़ी में एकदम बराबर से इसको। भाई देखो अभी मैंने इसको हालांकि ऐसा तो बिठा दिया है, ठीक है, बट देखते हैं कि अपने को प्रॉपर चलाने मिलता है या नहीं मिलता है, मेरे को डाउट है चलाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे लेके जाते हैं, बट इतने प्रॉब्लम है कि पुलिस वाले बीच में पकड़ ना ले, बट नहीं पकड़ेंगे, अगर पकड़ ले तो जिनका पार्सल में उनसे बात करा लूँगा, उनको मैं बोला था कुछ प्रॉब्लम अगर तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ इसे चलाने को तो चला लेंगे, ना तो फिर पीछे किसी को लेके बैठने पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करते हैं, ठीक। We'll be right back.
few moments later. Finally, अभी हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे पार्सल लेके. ठीक है, ये देखो पार्सल, देखो भाई हम लोग ने आगे ही बिठा दिया परफेक्टली, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो आ चुके भाई, तो जिसका पार्सल है वो बोले कि भैया 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ ऑन द वे. तो वो आने के बाद उनको पार्सल दे देते, फिर कैश ले लेते. तो उन्होंने मेरे को बोले कि जो भी पेमेंट रहेगा वो कैश में करेंगे. ठीक है, तो अभी 5-10 मिनट वेट करते हैं उनका जो एंड गाइस, पिछले 15 मिनट से हम लोग यहाँ पे ही वेट कर रहे हैं भाई. जो बंदा आने वाले उनका पार्सल लेने के लिए अभी तक आ रहा नहीं, और उनको फ़ोन किया ना तो एक ही बोल रहा, हाँ भैया ऑन द वे, दो मिनट. हाँ भैया दो मिनट. यार इतना धूप है ना भाई, इतना धूप में बहुत बेकार हालत ख़राब हो रही है. और हम लोग ये पार्सल लेके, मेरे को गाड़ी लेने भी जाना है भाई. मेरे शोरूम में मेरी गाड़ी का मीन्स फ़ोन आया था मेरे को शोरूम से, तो उन्हें बोला सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई. मैंने कल गाड़ी छोड़ी थी सर्विसिंग के लिए नहीं, हालांकि मेरी गाड़ी में वो पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी छोड़ा शोरूम में. तो शोरूम में भी जाना है गाड़ी लेने के लिए, और इनका जो पार्सल है वो अभी तक आ रही नहीं है. और भाई इतना बेकार धूप है ना भाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है. मेरा भाई देखो परेशान हो गया. ओवर एक्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो गाइस देखते अभी ये कब आता है, उनको बोलते अब इतना आया तो भाई चलो चाय नाश्ता तो खिलाओ यार, बहुत भूख लगा यार. ये देखो चलो ठीक है, देखते अभी क्या सीन है और कितना टाइम लगता है. ठीक है चलो, खाने को अरे घंटा देगा, कुछ नहीं देगा वो, क्या खाने को देगा घंटा. एक तो पहले उसको मैंने पैसे बोला तो बोल रहे कि थोड़ा कम करो. ठीक है, अभी वो चाय पानी देगा क्या? लास्ट टाइम तो साला पार्सल दिया वैसे ही साला निकल गया. इस टाइम बोलेगा ना, मैं तो अभी जाएंगे नहीं. हाँ अगले साल, अरे लेकिन पैसा तो मत मिल रहा है ना. चल मैं देखो खिलाता हूँ. ठीक है, अब उसने कैश दिया ना मेरे को, मैं देखो खिलाता नाश्ता. चल डर मत, बर्गर. अबे साले कमाएगा कितना, खर्चा कितना करेगा अबे, तू पैसे वाला आदमी है. अरे एक घंटा पैसे वाला आदमी है तो यूट्यूब से भी पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे अभी तक. अपना पहला पेमेंट भी नहीं आ रहा, डॉलर ही नहीं बन रहे. अपने सब्सक्राइबर लोग को बोल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए. सब कर दो भाई लोग, थोड़ा ज्यादा हो रहा है. सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो. अच्छा उनको बोलो जो ऐड आ रहा है देखने के लिए, ताकि मेरे पूरा देखिए, ताकि इसका पेमेंट जल्दी से डॉलर बढ़े जल्दी और अगले महीने पेमेंट आ जाए. हां तो गाइस जो वीडियो के पहले जो ऐड आ रहा है ना, तो उसको प्लीज पूरा वॉच करना, ताकि उसे मेरी अर्निंग होती है. देखो स्किप ना करे भाई, 15-20 सेकंड का ऐड रहता है उसको पूरा वॉच करे. देखते हैं भाई, एक आईडिया है नहीं, हो जाएगा. नहीं भाई कुछ आइडिया मत बताओ ना, तो आईडी वीडी भाई यूट्यूब का प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो गाइस हम लोग इतना ब्लॉग बना रहे फिर भी जिनका पार्सल अभी तक आया नहीं है, बताओ भाई क्या करे अभी. तो मुंह पे धूप आ रहा है भाई, धूप देखो कितना आ रहा है यार, बेचारा बहुत परेशान हो रहा है. चलो गाइस वेट करते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या. फ्यू मोमेंट्स लेटर पार्सल है ना अंदर जाके रखना है. ठीक है, एक्चुअली सीन ऐसा हो गया, जो भैया है ना उनके हाथ पे लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैं उठा नहीं सकता, तो आप प्लीज खाली हार्डली कितना 100 मीटर भी नहीं रहेगा, 50 मीटर भी नहीं रहेगा. तो मैं बोला ठीक है भाई रखता हूँ, चाइना का कर रहा ना कोई, तो बोले ठीक है अब अंदर लेके आओ पार्सल. मैं बोला ठीक है लेकर आओ. भाई देखो पैसे के लिए भाई कुछ भी करने पड़ते हैं, हमारे लिए भी करने पड़ती है. कितना आधा एक घंटा खाली अपना गया रहेगा भाई, लेकिन 1000-1200 रुपये मिलने वाले हैं. बोले ठीक है भाई करने पड़ते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. गलत काम नहीं भाई, अच्छा काम. आप लोग भाई बोले भाई गलत काम भी करेगा, नहीं भाई गलत नहीं अच्छा काम करेगा. इसी बात पर एक लाइक कर देना. चलो अभी इसको उतारता हूँ मैं. कभी कभी ना भाई ये उठाने को बहुत कंटाला आता है, लेकिन क्या करें भाई, यही काम से अपने को पैसा भी मिल रहा है. सोचो चलो ठीक है उतार लेता हूँ मैं. भाई सच में ना ये रिटली बहुत वजन है भाई, देखते हैं अपने को कितना पैसा मिलता है. ठीक है फाइनली अपना पार्सल डिलीवर हो चुका है. ठीक है, पेमेंट भी मेरे को मिल चुका है. पेमेंट तो भाई जितना एक्सपेक्ट किया था, मतलब जितना मेरे से बात हो गया था उतना ही मिला है. ठीक है, अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर बाहर जाके बात करते हैं, थोड़ा कुछ तो कोल्ड ड्रिंक विड्रिंक पीते हैं. भाई बहुत हीट मार रहा है, और जिनको मैंने बोला ना चाय पानी कुछ तो पिलाओ, तो उन्होंने बोला कि भैया रुको एक टाइम, रुको आधा घंटा रुको, फिर जाते हैं बाहर कुछ खाने के लिए. मैंने बोला भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को दूसरे भी काम है, क्योंकि अपने को गाड़ी लेने जा रहा है शोरूम में. तो ठीक है भाई अभी जाते हैं बाहर, आपको मैं बताता हूँ टोटल कितने पैसे मिले. ठीक है भाई, अभी हम लोग है ना पार्सल देके तो आ गए, बट एक्चुअली हम लोग एक जगह पे आए थे. ये देखो ये शॉप है हेलमेट का, और ये शॉप है ना भाई एक यूट्यूबर है मींस मैम है और श्वेता मैम, उनका शॉप है ये. ठीक है, तो अभी हम लोग ये लोकेशन पे आए थे सांगवी में, तो मैम तो अवेलेबल नहीं है, और जो मेरे को जो सामान चाहिए था वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, तो उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं मिलते, आप आई थिंक नाना पेड़ या हिंजोड़ी में ट्राई करो. तो चलो गाइस अभी जाते हैं हिंजोड़ी में. एक्चुअली मेरे को मेरा जो हेलमेट है ना उसका मेरे को वाइजर चाहिए था, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो चलो अभी जाते हैं हिंजोड़ी.
एंड गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ हिंजौड़ी में हेलमेट की दुकान में। तो ये देखो सेम टू सेम हेलमेट है मेरे जैसा। और इसका प्राइस कितना है भाई? मैडम इसकी प्राइस कितनी है ये हेलमेट की? 1819 का ये हेलमेट है। मतलब जब हम लोग नहीं लेता तब 2100 का आसपास। नहीं कितने कितने अपन? हाँ 2000 के आसपास लेता, अभी भी उतना ही है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं हेलमेट की दुकान में। तो मैम अभी हिंजौड़ी में, तो उनके पास वाइज़र है, तो चलो वाइज़र डाल लेते। भाई इतना काला क्यों दिख रही है? तो चलो भाई अभी ये वाइज़र डाल लेते। बाकी बाहर देखो क्या धूप है यार, वहाँ कसम। और ट्रैफिक देखो भाई, ये देखो ट्रैफिक देखो, बाप रे बाप। तो भाई फाइनली अभी ये वीडियो को एंड करते हैं। अभी हम लोग है ना भाई घर पे आ गए थे। मतलब आपको मैं बताऊं अभी वीडियो कितने बजे एंड कर रहा हूँ। ये देखो भाई 22:32 हो रहे हैं, मतलब 10:30 बज रहे। और हम लोग है ना दोपहर को 4 या 4:30 बजे घर पे आ गए थे, ठीक है। फिर मैं घर पे आया, भाई घर पे हम लोग आके सो गए, क्योंकि भाई इतना धूप में हम लोग गए थे और सुबह अपनी नींद भी कम्प्लीट नहीं थी, क्योंकि मैं नाइट मार के घर पे आया था, ठीक है। तो मेरे को आप मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरे को ये एग्जैक्ट ये ट्रिप के कितने पैसे मिले। एक ही पार्सल था, ठीक है, एक ही पार्सल के अपने को कितने पैसे मिले। एक्चुअली मैंने उसको रेट क्या लगा था बताएगा? पर किलोमीटर 40 रुपीज़ पिकअप, ठीक है, ऐसा मैंने उसको रेट लगाया था। टोटल मेरा 26 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 40 × 26 किलोमीटर तो 1040 रुपये होते हैं, मतलब 1050 के आसपास पकड़ लो, ठीक है। और मैंने उनको है ना 150 रुपये कुछ एक्स्ट्रा बोला था, तो ऐसे कुछ लगभग मेरे को 1250 रुपये मिले। उन्होंने मेरे को कैश दिया था, मैं आपको दिखा था मेरे हाथ में कैश है। ये देखो भाई, ये 500, ये 500, ये 1100, ये 1200, ये टोटल मेरे को मिले 1200 रुपये एक ही पार्सल का, एक ही पार्सल का, ठीक है। तो गाइस ये देखो पैसे एक पार्सल के भाई टोटल मिले 1200 रुपये। आप लोग देख सकते हो भाई ये 1200 रुपये मुझे मिले, ठीक है। जैसे मैं नोट को ऊपर ला रहा हूँ तो ब्लैक हो रहा है, वाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, वाइट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो देखो 1250 रुपये मेरे को टोटल मिले, ठीक है। ये है अपने पैसे 1200 रुपये, और मेरे को 50 रुपीज़ और मिले थे, तो जो कि हम लोगों ने नाश्ता किया खा लिया, तो 1250 रुपये मेरे को टोटल मिले एक ही पार्सल के, ठीक है। अभी से बात करते हैं कि एक ही पार्सल के 1250 रुपये कैसे मिले। देखो मैंने उनको रेट लगाया था 40 रुपये पर किलोमीटर का। मैंने रैंडमली बोल दिया कि भाई देखो अगर पैसा दिया तो दिया, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कुछ कम में बोल देंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है, पहले ही बोल दिया था हाई फाई रेट। तो मुझे लगा कि आई थिंक इन लोग बोलेगे कि नहीं भाई बहुत बोल रहे हैं 1250 रुपये बोले तो, क्योंकि ऑटो से भेज देंगे तो कम से कम 400-500 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने ऐसे ही रैंडमली उनको बोल दिया और भाई मेरे को फाइनली ट्रिप मिल गई, ठीक है। मैंने कंप्लीट भी कर दी, ठीक है। और मेरे को लगता है आई थिंक इसके बाद मुझे लगता है नहीं उन लोग की मुझे वापस वो पार्सल देंगे डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि भाई मैंने जो रेट लगाया उनको बोला वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हद से बाहर है। अगर 600-700 रुपये मिल गए ना फिर भी बहुत है, ठीक है। बट मैंने उनको बोला 1250 रुपये टोटल हो रहा है अपना, तो उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। फिर हम लोग दोपहर को घर पे आ गए, फिर आके सो गए। और अभी 10:30 बजे मीन्स वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और ये वीडियो को एडिट करके अभी 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 12 बजे जाना है काम पे जोमेटो में। तो मैं इसके लिए फटाफट वीडियो एंड कर रहा। देखो भाई कैश लेके ही बैठा हूँ मैं, देखो भाई यहाँ पे अपने पैसे है, देखो ये देखो भाई एक पार्सल का खाली 1250 रुपये मिले एक पार्सल का, वो भी कितना किलोमीटर? ओनली 26 किलोमीटर भाई देखो। बट ये अभी मेरे को लगता नहीं कि कॉल करके बोलेगी कि भाई पार्सल लेके जाइए, लेके जाओ, वो लेके जाओ, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की अर्निंग, एक घंटा भी हुआ नहीं मेरा, ठीक है, एक घंटा मोस्ट ऑफ ऑल हुआ भी नहीं रहेगा। तो एक घंटे में भाई 1250 रुपये अपनी अर्निंग होगी, जिसमें पेट्रोल गया रहेगा खाली 100 रुपीज़ का भी गया नहीं रहेगा। तो ये थी मेरी आज की अर्निंग, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में क्या अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस जितना हो सके प्लीज गाड़ी को सेफली चलाना, आराम से चलाना, रोज काम करना, डेली काम करना, ठीक है। देखो ज्यादा पैसे के चक्कर में ना आप लोग ज्यादा गाड़ी भगाते हैं, मीन्स मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है कि अपने को पता है कि भाई आज 1000 रुपये ना ले, लेकिन अपन क्या बोलते हैं भाई अभी तो 8 ही बज है तो चलो थोड़ा और काम करते, फिर बाद में बोलते हैं चलो और थोड़ा काम करते, तो इसके चक्कर में ना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर जो आपका टारगेट है वही रखो, डेली आपको कितना काम करना उतने करो, उससे ज़्यादा मत करो, लेकिन डेली काम करना, ठीक है। जो देखो मेरे जो अर्निंग की मैंने आपको दिखा दी है, तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में क्या अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को जल्दी से जल्दी, अपने को 2K सब्सक्राइबर करने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय।